हेलो दोस्तों, टेकी रेड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI TV की। दोस्तों MI TV में अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करें जिससे आपका कीबोर्ड काम करने लग जाए। सपोज करिए जैसे कि हम वाईफाई पे क्लिक करते हैं, वाईफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अदर नेटवर्क आ जाते हैं। अभी मेरा वायरस कमिंग के साथ कनेक्टेड है, अब मुझे SEO रैंकिंग के साथ करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे कीबोर्ड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर कीबोर्ड नहीं आएगा तो मैं दूसरा पासवर्ड यहाँ पे एंटर नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा दोस्तों तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे चले जाते हैं मोर ऐप में और यहाँ पे जाके हम TV का जो ब्राउजर है उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जब हम गूगल ओपन करते हैं, देखिए ये एरो हमारा यहाँ पे है। अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा कीबोर्ड नहीं आ रहा है ओके बटन प्रेस करने के बावजूद भी। तो MI TV में दोस्तों बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कीबोर्ड है वो नहीं दिखाई देता है हमें जब हमें कुछ टाइप करना होता है। जैसे कि मैं आपको सर्च पे क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है, लेकिन बाकी सब पे क्लिक करने के बाद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस प्रेफरेंस होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की ऑप्शन है, यहाँ पे गूगल इंडिक कीबोर्ड लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कीवर्ड है हमारे पास जो है गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, आपको इसे बंद कर देना है। आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे कीवर्ड। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे भी मैं जब टाइप कर रही हूँ ना तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है कुछ भी, नथिंग। तो मैं यहाँ पे वॉइस सर्च कर लेती हूँ फिलहाल के लिए, कीवर्ड फॉर TV। दोस्तों कीबोर्ड फॉर TV लिखने के बाद हमें यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे Gboard लिखा हुआ है या फिर और जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जो कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड लिखा हुआ है ना, हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड है जो वो इंस्टॉल हो गया है हमारे MI के TV में। अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड की ऑप्शन है वो डायरेक्ट खुल गई है, यहाँ पे ओपन हो गई है। अब दोस्तों आपको मैनेज कीवर्ड में जाना है। मैनेज कीवर्ड में जाने के बाद आपको एंड्रॉयड TV कीबोर्ड जो है उसको एनेबल करना है। एनेबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा। इसका मतलब ये है कि आप कुछ जो टाइप करते हैं, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर कुछ और, वो ये जो कीबोर्ड है वो डेटा ले सकता है। लेकिन दोस्तों ये हर कीबोर्ड के साथ ऐसा ही होता है, जो हमारे TV में पहले से इंस्टॉल है उसमें भी ये सेव ही अटेंशन आती है। तो दोस्तों हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड TV कीबोर्ड जो है वो अनेबल हो गया है। अब हमें जाना है बैक। बैक आने के बाद हमें जाना है करंट कीबोर्ड में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अब दो ऑप्शन आने लगी हैं। एक आ रही है गूगल इंडिक कीबोर्ड की, दूसरी आने लगी है एंड्रॉयड TV कीबोर्ड की। हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड TV कीबोर्ड जो है सिलेक्ट हो गया है। अब हमें जाना है होम पेज पे। किसी वजह से दोस्तों अगर आपकी वो जो सेटिंग है वो मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है।
उसके बाद डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है, फिर जाना है आपको कीबोर्ड में, और फिर आपको ये सारे कीबोर्ड की सेटिंग मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम वाईफाई में जाके चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे क्लिक करते ही यहाँ पे आते ही यहाँ पे नीचे जो कीबोर्ड है वो डिस्प्ले हो गया है। मैं आपको टाइप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ओके के बटन पे क्लिक करते ही ये सारा जो कीबोर्ड है ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके चेक करवा देते हैं। सर्च में जाएंगे, सर्च में जाके दोस्तों देखिए यहाँ स्पीक की ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक नहीं कर रही हूँ। देखिए जैसे ही मैं सर्च पे आती हूँ, सर्च पे आते ही यहाँ पे नीचे जो कीबोर्ड है वो डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको टाइप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इजीली हमारा जो कीबोर्ड है वो काम करना शुरू हो गया है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। उसके बाद दोस्तों ब्राउजर में चेक कर लेते हैं एक बार। ब्राउजर में दोस्तों हम टीवी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अब जाएंगे गूगल में। गूगल में दोस्तों हम अपने एरो को यहाँ पे ले आते हैं सर्च बार में। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करने वाली हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारा जो इशू था MI कीबोर्ड का वो इजीली सॉल्व हो गया है नया कीबोर्ड इंस्टॉल करने पे। तो अगर आपके MI के टीवी में कीबोर्ड इशू आ रहा है, कहीं पे कीबोर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, टाइप करने में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अपना जो कीबोर्ड है उसको चेंज कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।